नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत में यूनानी आक्रमण के बारे में। भारतवासी यूनान से प्राचीन काल से ही परिचित थे तथा यूनानियों को यौवन कहते थे। यूनानी आक्रमण के समय भी भारत की पश्चिमोत्तर राजनीतिक दशा कुछ वैसी थी जैसी ईरानी आक्रमण के समय थी। यहाँ इस समय अनेक छोटे बड़े जनपद, राजतंत्र, गणतंत्र विद्यमान थे। इनका पारस्परिक संघर्ष ही इनके पतन का कारण बना। भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण दूसरी विदेशी व प्रथम सफल आक्रमण थी। सिकंदर अकेला इतिहास पुरुष है जिसका जन्म मकदूनिया में तथा मरण बेबीलोन में व अंतिम संस्कार सिकंदरिया में हुआ। सिकंदर मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था तथा 20 वर्ष की अल्प आयु में ही शासक बना। विश्व विजय की प्रेरणा उसे अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। दार्शनिक अरस्तु का वशिष्य था तथा हरकुलिस तथा साइरस जैसे महान नायकों के विजय विवरण में अधिक रुचि रखता था। सिकंदर व ईरानी सम्राट दारा तृतीय के मध्य 331 ईसा पूर्व में अरबेला या गोगामेला का युद्ध हुआ था, जिसमें ईरान की तरफ से भारतीय सेना का नेतृत्व विशस द्वारा किया गया। ईरानी साम्राज्य ध्वस्त हो गया तथा राजधानी पारसीपोलिस को जला दिया गया। उसने ईरान का महान सम्राट की उपाधि धारण की। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने सिकंदर के समय पश्चिमोत्तर भारत में 28 स्वतंत्र राज्य का उल्लेख किया है। मजुमदार इन राज्यों की संख्या 34 से 35 बताते हैं। 28 स्वतंत्र राज्य में 11 राजतंत्र, 17 गणतंत्र एवं 5 सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित हैं। इनमें अस्मक, गौरी, अवशक, पुष्पारती, तक्षशिला, उर्सा, अभिसार, पुरु, गलेनकाई, गंधारिस, आद्रस्ताई, कट, सौभूति, फेगेलस, सीबोई, अगसोई, अक्सीडाकाई, मल्लोई, अफ्टोनाई, जाथ्रोई, असोडियाई, वास्ती, मुसिक, ऑक्सीनोस, संबोस, पाटल आदि थे। स्वतंत्र राजतंत्र राज्यों में तक्षशिला, अभिसार व पुरु राज्य प्रमुख थे। भारत पर सिकंदर का आक्रमण। हकमनी साम्राज्य के विनाश के पश्चात सिकंदर ने वक्ष में अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना की। वक्ष से काबुल के मार्ग से होते हुए उसने खैबर दर्रे से हिंदू कुश पर्वत पार किया। यहां से सिकंदर भारत के सबसे निकटवर्ती प्रदेश निकाया पहुंचा। यहां पर सिकंदर से तक्षशिला के राजा अम्बी ने बहुमूल्य वस्तुएं 25 हाथी कर उसकी अधीनता स्वीकार की तथा सहायता का अपूर्ण आश्वासन दिया। हालांकि इससे पूर्व भी अम्बी बुखारा में सिकंदर के पास दूत भेज चुका था। किसी भारतीय नरेश द्वारा अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का लिखित इतिहास में पहला उदाहरण है। हिंदू कुश के उत्तर में शशिगुप्त नामक अन्य भारतीय नरेश सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर सहायता का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त पुष्कराती के संजय काबुल के कोखायस अश्वजीत ने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर सहायता का आश्वासन दिया। निकाया के पास सिंधु नदी मार्ग पर उसने अपनी सेना को दो भाग में विभक्त कर दिया। एक भाग हेफेस्टिनियन पेरिडियस के नेतृत्व में खैबर दर्रे होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचने का आदेश दिया। दूसरा भाग का नेतृत्व स्वयं ग्रहण कर उसने कुनार व स्वाति घाटी के पर्वत के दुर्गम क्षेत्रों में युद्ध किया। सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप के अभियानों से पहले अफगानिस्तान के दुर्ग की श्रृंखला स्थापित की। प्रथम सैन्य दल का सर्वप्रथम सामना पुष्कालावी के शासक अष्टक से हुआ। 30 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद अष्टक लड़ता हुआ मारा गया। द्वितीय सैन्य दल के नेतृत्व सिकंदर का सर्वप्रथम सामना कुनार घाटी में बसे अस्पेसियनों से हुआ। कड़े प्रतिरोध के बाद उनकी हार हुई। इसके पश्चात निशा नामक जनजाति ने अपने आप को यूनानियों का वंशज बताते हुए बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली। तत्पश्चात गौरियनों को जीतता हुआ सिकंदर अस्केनियन राज्य पहुंचा, जिसकी राजधानी मस्सद थी। इसकी राज्य की महिला ने पुरुषों की मृत्यु के बाद रानी किलोफिस के नेतृत्व में युद्ध किया। सिकंदर ने इस नगर की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। डियोडोरस तथा पुलुक्टार्क दोनों ने मस्सद में सिकंदर की निर्दयतापूर्ण कार्य की निंदा की है तथा इस कृत्य को कलंक बताया। मस्कब के पश्चात सिकंदर पुष्कलावती पहुंचा, जहां प्रथम सैन्य दल ने पहले से अधिकार कर रखा था। सिकंदर ने सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेश में निकोबार के क्षत्रप नियुक्त किया। सिंधु नदी को पार करने से पहले सिकंदर ने एवू नोर्स से सुदृढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया।
इस पर अधिकार करना कोई सरल कार्य नहीं था। एरियन ने विस्तृत विवरण दिया है कि 6600 फीट ऊंचे चट्टान पर स्थित इस दुर्ग का घेरा 22 मील था। इस किले के विषय में मान्यता है कि स्वयं हेराक्लीज भी इस किले को ध्वस्त नहीं कर सकते। सिकंदर ने पीछे से अप्रत्याशित आक्रमण कर दुर्ग को जीता। अर्नोस की पहचान वर्तमान में पीर सार व उन सार से की गई है। शशिगुप्त को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया। शशिगुप्त प्रारंभ में ईरानी सेना की तरफ से सिकंदर के विरुद्ध लड़ा था, लेकिन बाद में सिकंदर का सहयोगी हो गया। वो हिंद के समीप सिंधु नदी के तट पर सिकंदर ने नावों का पुल बनाया तथा 326 ईसा पूर्व वसंत में सिंधु नदी पार कर दूध और मधु की भूमि भारत भूमि पर कदम रखा। सिंधु नदी के पार तक्षशिला शासक अंधी, जिसका राज्य सिंधु व झेलम नदियों के बीच स्थित था, उसने सिकंदर का भव्य स्वागत किया तथा 2000 रजत मुद्राएं, 390 पुष्ट वेषण, 1000 भेंट, 30 हाथी तथा 700 अश्वरोही ही भेंट किए। सिकंदर ने फिलिप को तक्षशिला का क्षत्रप नियुक्त किया तथा झेलम व चिनाव नदियों के मध्य पोरस के राज्य को आत्मसमर्पण की मांग की। पोरस एक स्वाभिमानी शासक था। उसने यह कहला भेजा कि वह यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। सिकंदर के विरुद्ध पोरस की यह ललकार युद्ध की खुली चुनौती थी। उसने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। पोरस को सिंधु नदी पुल के तोड़ पर झेलम पार करने की आज्ञा दी। तक्षशिला के 5000 सैनिकों के स्वामी अंधी के साथ झेलम की ओर सिकंदर ने प्रस्थान किया। झेलम के दक्षिणी तट पर सिकंदर ने अपनी शिविर स्थापित की। पोरस ने एरियन के अनुसार 4000 अश्वरोही, 300 रथ, 200 हाथी व 30000 पैदल सैनिक थे। सर्वप्रथम पोरस ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 2000 सैनिकों को सिकंदर का सामना करने तथा उसका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए भेजा, परंतु यूनानी सैनिकों के सामने वे टिक ना सके व उसका पुत्र मारा गया। सिकंदर की सेना में मैसेडोनियन, बाल्कन, ईरानी, फिसियन, पश्तूनीज व इजिटियन आदि कुशल प्रजातियों का मिश्रण था। परंपरा अनुसार 120,000 व्यक्ति सिकंदर के शिविर में उपस्थित थे, परंतु टाल महोदय के अनुसार लड़ने वाले सैनिकों की संख्या 35,000 थी। टॉलमी, पेडियस, सेलुकस, लिस्सी मेचस जैसे कुशल सेनानायक सिकंदर की सेना में थे। झेलम नदी इस समय मई महीने में बाढ़ पर थी। सिकंदर के लिए पोरस जैसे सावधान व शक्तिशाली शत्रु के सामने नदी पार करना पड़ा यह असंभव था। सिकंदर ने नदी पार करने के लिए ऐसे स्थान को चुना जो पोरस के शिविर में दृष्टिगोचर नहीं था। प्रभुत वर्षा व बिजली की कड़क झंझवात के शोरगुल में 12,000 सैनिकों की एक चुने हुए दल के साथ सिकंदर ने झेलम को अंधेरी रात में पार किया। प्रमुख शिविर में क्रेटसर के नेतृत्व में एक विश्वसनीय सेना छोड़ रखी। विशेषता के तट पर प्रकृति जन्य झंझावत समाप्त हो गया तथा मानव जन्य झंझनावत शेष था। सिकंदर की सेना में निश्चित रूप से घुड़सवार की संख्या अधिक थे। सिकंदर अश्व दल के साथ स्वयं दक्षिण पार्श्व में खड़ा हुआ तथा सेना नायक कुनोस को 2 टुकड़ी के साथ वाम पार्श्व की ओर खड़ा कर दिया। उसकी योजना थी कि शत्रु के वाम पार्श्व पर आक्रमण करेगा और कुनोस पृष्ठभाग में और सेलुकस मुख्य दल सहित तब तक युद्ध में नहीं भाग लेगा जब तक पोरस की सेना अस्त व्यस्त ना हो जाए। यह भारतीयों का दुर्भाग्य था कि प्रारंभ से ही युद्ध उनके विरुद्ध रहा। पोरस की सेना के सैनिक विशाल धनुष युक्त थे, जिन्होंने वर्षा के कारण जमीन पर रखना चलाना दुष्कर हो गया। सेना के विशालकाय हाथी तथा भारी रथ यूनानियों की सेना के तीव्रगामी घोड़े के सामने टिक ना सके, लेकिन प्लूटार्क के अनुसार भारतीय योद्धा बड़े शौर्य से लड़ते रहे। दिन के लंबे समय तक सिकंदर के सैनिकों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। सिकंदर के सैनिक को सेलुकस ने अपनी आंखों से भारतीय हाथियों को रखता हुआ देखा था। तभी तो वर्षों पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के 500 हाथियों के बदले में अपने साम्राज्य के 4 प्रांत देना सेलुकस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। एक विशालकाय हाथी पर आसीन पोरस युद्ध के अंतिम क्षण तक लड़ता रहा, किंतु अंत में कुशल प्रशिक्षित यूनानी सैन्य शक्ति बदौलत विजय सिरी ने सिकंदर का वरण किया। सिकंदर ने तक्षशिला के शासक आंधी को आत्मसमर्पण के संदेश के साथ पोरस के पास भेजा था। राजद्रोही आंधी को देखते पोरस की भुजाएं पुनः फड़क उठी।
इस प्रकार का दृश्य एक प्रसिद्ध सिक्के में अंकित है, जिसके मुख्य भाग पर भाला फेंकते हुए हाथी के पीछे घोड़सवार का चित्र व बरछा फेंक कर वार करते हुए हाथी पर सवार पुरुष का चित्र अंकित है, तथा पृष्ठ भाग पर जीएस देवता वेशभूषा में सिकंदर का चित्र अंकित है। पुरुष के मित्र में क्रूस के प्रयोग से पुरुष आत्मसमर्पण के लिए राजी हुआ तथा अपने आप को यूनानी सेना के हवाले कर दिया। सिकंदर ने बंदी बनाए हुए पुरुष से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? पुरुष ने निर्भरता पूर्वक कहा, एक शासक जैसे दूसरे शासक के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर ने उत्तर सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ तथा उसने न केवल उनका राज्य लौटा दिया अपितु अन्य प्रदेश भी प्रदान किए, जिसमें प्लूटार के अनुसार 15 संघ राज्य व 500 नगर व अनेक ग्राम थे। इसके पश्चात सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की, युद्ध क्षेत्र में स्थान पर ही ने किया तथा दूसरा झेलम के दूसरे तट पर अपने प्रिय घोड़े की स्मृति में बहुफेला नामक नगर की स्थापना की। झेलम की युद्ध संभवतः मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सिकंदर के इस युद्ध की स्मृति में एक विशेष मुद्रा का प्रचलन किया गया, जिसमें पोरस के हाथी पर पीछा करते हुए उछाल करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार की 2 मुद्राएं तक्षशिला से प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम सिकंदर ने चुआकयन राज्य पर आक्रमण कर उसे पोरस के राज्य में मिला लिया। इस बीच अस्मक प्रदेश में हुए विद्रोह से यूनानी क्षत्रप निकानोर को मौत के घाट उतार दिया गया। टाइपेरसेस तथा फिलिप ने विद्रोह का दमन किया। इसके पश्चात चिनाव और रावी नदियों के बीच स्थित गंधारिस के शासक छोटा पुरु के राज्य पर आक्रमण किया तथा यह संपूर्ण प्रदेश भी पुरुष के राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात रावी नदी के किनारे अदृष्टाई राज्य पर आक्रमण कर उनकी राजधानी प्रिम्बप्रवा पर अधिकार कर लिया। रावी नदी पार कर अगला गणराज्य कट था, जो सबसे अधिक लड़ाकू योद्धा माने जाते थे। एरियन के अनुसार कथाई यानी कट कबीले के पास बड़ा नौका घाट था तथा कठों ने यूनानियों को जहाजी रसोई घर तथा परिवहन नौकाएं प्रदान की थी। सिकंदर ने अश्वरोही यहां निष्फल हो गए थे। अंततः पुरुष की 5000 सैन्य सहायता ने उन्हें परास्त किया। कठों की राजधानी नगर संगल को ध्वस्त कर दिया तथा कट की सामूहिक हत्या कर ली। यह प्रदेश भी पुरुष के अधीन कर लिया गया। यहाँ से सिकंदर ने व्यास नदी तट तक पहुँचा। भगल नामक एक सरदार ने सिकंदर व उसके सैनिकों को नंद राजवंश की सैन्य शक्ति के विस्तार से अवगत कराया। नंद साम्राज्य की सेना विशालता के भय से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। झेलम व संगल के किनारे युद्ध से सिकंदर की सेना की साहस टूट चुकी थी। एरियन ने स्पष्टतः कहा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों में श्रेष्ठ थे। कार्टियस ने सैनिकों के आगे न बढ़ने का लंबी कारण और थकान बीमारी में आने की अतुलता माना। सेना नायक कुनोस ने सभी प्रतिनिधित्व करते हुए सिकंदर को मातृभूमि लौटने की आग्रह की। सिकंदर ने सेना को आगे बढ़ने के लिए जोशीला भाषण नानक प्रकार के प्रलोभन दिए, परंतु सारे प्रयास निष्फल रहे। निराश सिकंदर ने जिस मार्ग से आया उसी मार्ग से वापस जाने की निर्णय लिया। व्यास नदी के तट पर अपनी विजय सीमा अंकित करते हुए उसने यूनानी देवता स्मृति में 12 वेदिका स्तंभ स्थापित किए तथा विविधतापूर्वक उनकी पूजा की। प्रत्यावर्तन के दौरान सिकंदर को सर्वप्रथम मालवा व क्षुद्रक गणों की संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 50,000 मालवा रावी नदी के दक्षिण तट पर एकत्र हुए। घनघोर संग्राम हुआ। सिकंदर स्वयं मालवों की बाण वर्षा से मूर्छित हो गया। कदाचित इस बाण का गंभीर घाव कालांतर में सिकंदर की मृत्यु का कारण बना। अंततः सिकंदर की सेना के अदम्य उत्साह से विजय श्री यूनानी के हाथों लगी। मालवा गण के सभी स्त्री पुरुष व बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। तत्पश्चात व्यास व चिनाव के संगम पर स्थित अगलस जाति ने विशाल सेना के साथ प्रतिरोध किया। उन्होंने अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को आग में झोंक दिया व स्वयं लड़ते हुए मारे गए। इस घटना को राजपूतों के जौहर का पूर्वाभ्यास कहा माना जाता है। सभी लोगों ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिण पश्चिम पंजाब में स्थित अष्टम छत्र वस्तई नामक लघु गणराज्य भी आत्मसमर्पण कर दिए हैं। यहाँ की राजनीति व्यवस्था ब्राह्मणों से प्रभावित तथा राजतंत्रात्मक थी। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद सुंगई मुसिक संबोस आदि ने राज्यों आत्मसमर्पण कर दिए। निचली सिंधु घाटी में ब्राह्मणों की शक्ति
अधिक थी। उन्होंने सिकंदर का सबसे प्रबल विरोध किया तथा राष्ट्रीय धर्म का वाहन करते हुए जिन शासकों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित किया। फलस्वरूप मुसिकनोस तथा ऑक्सिकनोस ने यूनानी दास्ता का जुआ उतार फेंका, परंतु सिकंदर के तूफान ने आगे सबको परास्त करते हुए अंत में सिकंदर सिंधु तट पर पाटल राज्य पहुंचा। डियोडोरस के अनुसार यहाँ देवराज्य के शासन व्यवस्था थी। यहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से दो वंशानुगत राजा शासन करते थे। यहाँ एक नई छत्रपणी गठित पिथोन को वहाँ के छत्रप नियुक्त किया गया। यहाँ सिकंदर की अंतिम विजय थी। 325 ईसा पूर्व माह के जेड्रोसिया के रेगिस्तान में अपनी गृह यात्रा प्रारंभ की। निर्याकस की अध्यक्षता में सेना दूसरे भाग को सिंधु मुहाने तक साथ साथ फारस की खाड़ी से नौ सेना के बेड़ा ले जाने का आदेश दिया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में मस्तिष्क ज्वर से सिकंदर की मृत्यु हो गई।